गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारे लेसन नंबर 1 की जो एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन आंसर्स के आगे क्वेश्चन आंसर्स बाकी है वो हम करेंगे, ठीक है आज। तो फिर आप आपके नोटबुक पेंसिल निकालो और लिखना चालू करो, ये सब इम्पोर्टेंट है आपके वर्कशीट के लिए।
established Ramakrishna Mission when and where? किसने established किया था, कहाँ पे और कब? तो स्वामी विवेकानंद established Ramakrishna Mission at Belur in 1897 CE. Which slogan did Ramakrishna Mission follow? तो service to man is service to God. इंसान जो लोग है उनकी आप मदद करोगे तो आप जो है भगवान की सेवा कर रहे हो. क्लियर? नाउ नेक्स्ट social and religious work that the reforms in Parsi community. किसने किया था? एक तो था कामन, क्या नाम था उसका? मिस्टर के आर कामन, मिस्टर के आर कामन एंड मिस्टर बहरामजी मलबरी. Work to reform Parsi religious and to reform Parsi and religion and society. Clear? समझ में आया इतना? ठीक है? Who did social and religious reforms in Parsi community? तो Mr. किया था ना and Mr. बहरामजी मलबरी, ये दोनों ने किया था. ठीक है? तो ये आप नोट डाउन कर लो आपके बुक में, इम्पोर्टेंट है आपके लिए. When and why? ये आपका क्वेश्चन है. ठीक है? Who established Ramakrishna Mission when and where? तो स्वामी विवेकानंद established the Ramakrishna Mission at Belur in 1897 CE. Belur के अंदर 1897 CE में स्वामी
नाम जो थे उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। फिर है वी स्लोगन डिड रामकृष्ण मिशन फॉलो। रामकृष्ण मिशन कौन से इस स्लोगन को फॉलो करते हैं? तो सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। फिर है हु डिड द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स? पारसी कम्युनिटी। पारसी कम्युनिटी के अंदर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म किसने किया था? तो मिस्टर के आर कामा एंड मिस्टर बहराम जी मलबरी। के आर कामा और मिस्टर बहराम जी मलबरी। फिर है हु एस्टेब्लिश्ड द रहनुमा ई मस्दायस ने सभा व्हेन एंड व्हाई? किसने एस्टेब्लिश की थी और व्हेन मतलब कब और व्हाई क्यों व्हेन एंड व्हाई कब और क्यों? तो इसका आंसर जो है हम उस साइड लिखेंगे। उसके पहले आप ये सब नोट डाउन कर लो आपकी बुक में, अदरवाइज जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर ये जो है आपके बुक में आप नोट डाउन कर लो, फिर हम इसके आगे के कुछ आंसर्स देखेंगे, ठीक है। इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। पारसी रिलीजन एंड सोसाइटी। पारसी यूज English education established the रहनुमा जी मस्दायस ने सभा इन 18
61. ठीक है, क्लियर? यहाँ तक कॉपी कर लो इसको बुक में. नाउ टेन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ पे हमारे क्वेश्चन सब जो है इस लेसन के खत्म होते हैं. अब हम जो है इसके अंदर जो आपको शॉर्ट नोट पूछी गई है वो आपको टेक्स्ट बुक में से मिल जाएगी. ठीक है, जो टेक्स्ट बुक में से मिल जाएगी. ये लेसन के अंदर आपको वर्कशीट में शॉर्ट नोट है वो आप लेसन रीड करोगे तो बहुत इजीली मिल जाएगी. ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा कि शॉर्ट नोट जो है आपको खुद लिखना है टेक्स्ट बुक में से ढूंढ के. क्लियर? अब ये क्वेश्चन सर हो जाए उसके बाद हम ट्रू और फॉल्स करेंगे. तो ये सारे क्वेश्चन सर सबने यहाँ पर से और यहाँ पर से लिख लिए हैं. किसके लिए पास से रहनुमा एवं स्लाइड्स की सभा बनवाई गई थी, कब और टू इम्प्रूव पारसी रिलीजन एंड सोसाइटी. पारसी जो है उनकी रिलीजन और सोसाइटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए पारसी यूथ हैड एक्वायर्ड इंग्लिश एजुकेशन. उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन एक्वायर्ड किया और क्या किया था, एंड एस्टेब्लिश द रहनुमा ई मस्तायस की सभा. और जो है ये सभा एस्टेब्लिश की कब, तो इन 1851 सीई में. क्लियर? फिर वेन एंड वेयर वॉज अमृतलाल बॉर्न, या तो अमृतलाल ठक्कर बॉर्न या तो ठक्कर बापा बॉर्न. ऑल आर सेम. तो ही वॉज बॉर्न इन भावनगर इन 1869 सीई. ही वॉज बॉर्न इन भावनगर इन 1869 सीई. क्लियर? यहाँ तक समझ में आया आपको? ये आपने लिख लिया है, इसको मैं रफ कर देती हूँ.
ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन था, क्वेश्चन आंसर। Left is home in search of truth. The true. Thank you.
Ramakrishna Paramahansa was interested in religious activity. In religious activities from his childhood. So true या false, रामकृष्ण परमहंस जो है वो interested थे religious activity में उनके childhood के time से ही. तो true आएगा या false? तो true. इसको आप नोट डाउन कर लो आपकी बुक में, ठीक है? अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो.